भगवान जी को गुरु महाराज की आदेश थी कि पाश्चात्य देश में कुछ अंग्रेज कभी गुरु भाई का ऊपर ये आदेश थी। बाकी जब देखा कि इधर में ही सब मस्त हो गए, उधर कोई ध्यान है, थोड़ा सोचा कि भला मैं ही बुढ़ापे में थोड़ा चेष्टा करूं। उस समय हमारा 70 वर्ष उम्र था, 1965। तो उधर गया न्यूयॉर्क में और जहाज में बैठ बैठ के सोच रहा था जो भगवान इधर क्यों भेजा। मैं तो जब उनको वैष्णव सदाचार का विषय बोलूंगा उसी समय ये लोग कहेंगे महाराज आप इधर से चले जाए, क्योंकि सदाचार बिना तो वैष्णव होता नहीं। यद्यपि भगवान कहा है अपिते सुदुराच, इसका लक्ष्य है कि सदाचार जरूर होना चाहिए वैष्णव के लिए। सर्वई गुणई तत्व समासते सुरा, वैष्णव का सब देवता का गुण होना चाहिए, भगवत भक्त का यही लक्षण है। तो सदाचार पालन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह बताया है कि असदाचारी वैष्णव को वैष्णव है इस हिसाब से उनको दंडवत करना जरूरी, क्योंकि उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं, ये मना किया। तो सदाचार वैष्णव के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारा विदय में यही था कि पहले तो इनको यही बात बताया जाएगा जो आप लोग सदाचारी होइए, चार प्रकार के जो पाप है इसको छोड़, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जस्या अंतगतम पाप जीसाम अंतगतम पाप जनानाम पुण्य करो दे दंड महानिमुक्त भजंती मां धीरव्रत। भगवान की सेवा में धीरव्रत होकर के सेवा में नियुक्त होना ये साधारण नहीं है। जीसाम अंतगतम पाप जो पाप कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गया उसके लिए भगवत सेवा संभव है। और नहीं तो ये भी समझना चाहिए कि जो भगवत सेवा में नियुक्त है वो सदाचारी, वही एकमात्र सदा। अगर यद्यपि बाहरी कुछ अभ्यास है सुदुराचार मालूम भी होता है, भगवान के लिए कहते हैं अपीते सुदुराचार भजते वहां अनन्न, तो विदेश में जाकर के न्यूयॉर्क में विशेष करके एक पार्क जिसका नाम है टॉमकिंसन स्क्वायर, तो उधर जाके मैं कीर्तन शुरू किया। एक पेड़ का तरह में बैठ के हरे कृष्णा बस एक दुगदुगी लेकर, उधर मृदंग भी नहीं था। तो ये सब बालक लोग आने शुरू किया और इधर वो बालक अभी उपस्थित है जो कि जिसका नाम आ गया है ब्रह्मानंद स्वामी, ये पहले आकर के नाचा था। ये बालक और ये एक बालक उसको नाम है अभी अच्युतानंद स्वामी, वो अभी हैदराबाद में खूब प्रचार कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते ये भगवत कीर्तन की प्रभाव से चेत दर्पण मार्जनम भव महादावागनम चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान की कीर्तन कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम गुरु सुखदेव गोस्वामी की वाणी। कलि युग में
अनेक दोष है, ये दोष की निधि है। कलौ दोष निधि राज अस्ति भी एक महान, एक महान गुण है। मुझे कीर्तना देव कृष्ण समुक्त संग पद, केवल मात्र भगवान के नाम तन्नाम ग्रहणादि, केवल भगवत भक्ति शुरू होती है तन्नाम ग्रहणादि। तो इसका फल वास्तविक यूरोप अमेरिका में प्रत्यक्ष हुआ है। कीर्तन करते 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 आदो सद्या तो साधु संग फिर आगे बढ़ के आया और शिष्य होने का मांगा। मैंने उनको बोला जो देखो भाई, हमारे शिष्य होने के लिए तुमको चार चीज छोड़नी थी। एक तो अवैध स्त्री संग छोड़ने थे, इनका देश में लड़का लड़की साथ ऐसी रहते हैं बिना विवाह, कुछ दिन रहा छोड़ दिया और किसी को पकड़ लिया, ऐसी चल एज फ्रेंड्स। तो हमारा जो शिष्य होता है उसको ये नहीं चलेगा, तुम किसी को लड़की को चाहते हो, लड़का को चाहते हो तो शादी करो, शादी करके मध्यम भाव से रहो। ये लोग माए बहु माए शादी करा दिया, उनको सब बच्चे जो अब हुए हैं उनको ने स्कूल खोल दिया गुरु को। एक जेनरेशन चेंज हो रहा है, वैष्णव जेनरेशन, ये टूटने वाला नहीं है। हम तो वयोवृद्ध हुआ अभी 78 वर्ष है, हो सकता कभी भी चला जाऊंगा, बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चला जाएंगे, ये उधर नष्ट होने वाला, क्योंकि यही सिखाया जाता है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, जो कि भगवान स्वयं बताते हैं मैया सप्तमना प्राप्त योग में झुंझन मदास। भगवान का आश्रय लेकर के और ये भक्ति जो हो तो अभ्यास करो। वो भक्ति जो क्या है, जो भगवान में आसक्ति बढ़ाओ। आसक्ति हम लोग तो सभी का है, किसी का धन में है, किसी का दौलत में है, किसी का देश में है, किसी का बाल बच्चे में है, और किसी का कुछ नहीं है तो कम से कम पाश्चात्य देश में खूब देखा जाता है कि किसका कुछ है नहीं फैमिली, तो वो कुत्ता पालता है बिल्ली पर, तो कुत्ता में आसक्ति। तो आसक्ति तो जरूर हमारा, ये आसक्ति फिरा करके भगवान में लगा, यही भगवत भक्ति। मनवना भगवत भक्त मध्याजिमान नमस्ते, भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मनमना हमारा भक्त बन जाओ। मनमना भगवत भक्त मध्याजी, हमारा पूजा करो और हमको नमस्कार करो, जो कि आप लोग का वृंदावन में यही प्रथा है। सब समय आप लोग भगवान का नाम जपा करते हैं मन मना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शब्द का साथ साथ ही भगवान का चरण में मन लीन हो जाता है। गोस्वामी लोग सिखाया है, सब आचार्य लोग सिखाया है, चैतन्य महापुरुष खुद सिखाया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति वो नास्ति वो नास्ति वो गतिरन्यथा। कोई मुश्किल है नहीं, भगवान में आसक्ति बढ़ानी कोई मुश्किल नहीं है, विशेष करके कलयुग में केवल भगवान का नाम से है। पुराना युग से तन्नाम ग्रहणादि भक्ति शुरू हो गया है भगवान के नाम ग्रहण। तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए इनको हरिनाम जप करने को बताया गया है, तो सब समय जप करते हैं लोग, जहां तक हो आप लोग देखा ही है सब समय नाम की माला है, उसका चलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मन मना भगवत भक्त। और जो नाम को जप करेगा तो भक्त हो ही जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण
चैतन्य रस विग्रह भगवान, और भगवान का नाम कोई भिन्न नहीं है, अभिन्न क्या नाम नाम, तो वहां चिंतामणि नाम है, स्वयं भगवान है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का विग्रह है, रसो वही स, जैसे भगवान स्वयं कृष्ण चंद्र सब रस का आधार है, द्वादश रस का आधार है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ने बताया, वकील रसामृत सिंधु, तो भगवान रस विग्रह सब आनंद भगवान में है, भगवान से जिसका संपर्क है वो आनंदमय अभ्यास है, अभ्यास से केवल भगवान से संपर्क रखने से ही वो आनंदमय हो जाए, भगवान का स्वरूप है आनंदमय, और हम लोग भगवान का अंश है इसलिए हम लोग भी आनंदमय, क्योंकि भगवान को हम लोग छोड़ दिया है इसलिए निरा, फिर अगर भगवान को चरण को हम लोग पकड़ लेते हैं फिर आनंद में हो जाइए, दैव जीसा गुणमय दुरतया मामे जब प्रबद्धंते माया में काम करते, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और भगवान का अंश है जी, वो भी सच्चिदानंद विग्रह है, बाकी अनु होने का कारण भगवान विभु और हम लोग अनु, अनु होने का कारण जैसा अग्नि का स्फुलिंग बहुत छोटे होने का कारण कभी कभी बुझ जाए, और फिर उसको वो अग्नि कणा जो अंगार है उसको आग में दे दीजिए तो फिर वो प्रज्वलित हो, इसी प्रकार हम लोग जब दुनिया को भोग करने को चाहता, जैसा जगदानंद पंडित बताया, कृष्ण भुलिया जी भी भोगवान छा करे पाछते माया तारे जापोटिया धोरे, जब हम लोग भोग करने को चाहते वही माया हर कुछ है ना, हम लोग भोगता नहीं है, भोगता भगवान, भोगता रंग जब तब शाम सगलोक महेश्वर, ये बात जब हम लोग भूल जाते हैं जो भगवान भोगता है और हम लोग है भगवान की भोग की सामग्री उनको देने के लिए हमारा काम, जैसे गोपी लोग करते सब समय भगवान के भोग के लिए प्रस्तुत, सब वृंदावन वासी, वृंदावन वासी का यही काम है, जो भोगता भगवान और भगवान को भोग के लिए सब स्वाय सेवा करने के लिए तैयार, ये वृंदावन वास, तो बिना आसक्ति से क्यों भगवान, सभी चाहते हैं मैं भोग करूं, अपना भोग छोड़ देता है, जैसे पितामह का अपना भोग छोड़ देता है अपना बालक को प्रतिपालन करने के लिए, स्वाभाविक प्रेम है, प्रेमी जो है वो अपना प्रेमी को सुखी करने के लिए अपना भोग खोजता है, दुनिया में ये बात नहीं हो सकती है, परंतु परजगत में अप्राकृत भूमिका में ये संभव है, दुनिया में जो है कोई अपना भोग को छोड़ नहीं सकता, बाकी वैकुंठ जगत में उसमें भोगता एकमात्र भगवान है और सब भोग्य है, जीव भी उधर जो जीव है वो सब भगवान की सेवा के लिए तैयार है, वही चीज इधर सिखाया जाता है हमारा वैष्णव पद्धति में, जो भगवान की सेवा में सब कोई नियुक्त रहो, भगवान ने ये सप्तम अध्याय में यही बता रहे हैं, मैया सप्तमना प्राप्त योगम झुंझन मदास, वो जो जो है भक्ति जो वो भगवान का आश्रय लेने से ही हो सके, या भगवान को भक्त का आश्रय, भगवान और भगवान के भक्त से कोई अंतर नहीं है, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र रुक्त तथा भागवत एव सद्भी किंतु प्रभु जब प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणार, गुरु का काम है कि सबको भगवत भक्ति में लगा है, यद्यपि गुरु को भगवान के ऐसे सम्मान दिया जाता है, देना भी चाहिए,
क्योंकि गुरु जो है भगवान का तरफ से सम्मान ग्रहण करते हैं ताकि वो सब सम्मान भगवान को देते हैं अपने के लिए। इसलिए जैसा कोई मैनेजर वो रुपया पैसा जो कुछ अदा करते हैं मालिक के लिए, इसी प्रकार भगवत भक्त जो है उनको जो कुछ दिया जाता है सम्मान अर्थ और कुछ वो सब भगवान का पास पहुंचता है। इसलिए साधु गुरु वैष्णव सेवा के लिए शास्त्र में विधि है कि उनको जो कुछ दिया जाता है वो भगवान को ही दिया जाता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं मदास भगवत भक्त का आश्रय, यदि साक्षात भगवान का आश्रय नहीं होता, साक्षात भगवान का आश्रय हो भी नहीं सकता। तद विज्ञानात्मसा गुरु में वह भी अच्छे भगवान को जो आश्रय में है, इस प्रकार भक्त का आश्रय ग्रहण करने से ही भगवान का आश्रय डायरेक्ट नहीं होता। तो भगवान बताते हैं मद आश्रय, जो कि जो व्यक्ति हमारा आश्रय में है उसका आश्रय, उसका आश्रय लेके भक्ति योग पाओ। ये भगवान और एवं परंपरा प्राप्त मंगलाश्रय होगी भगवत भक्ति, भगवान भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान की वैशिष्ट्य, ये सब समझने के लिए वो परंपरा सूत्र से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमारा वैष्णव समाज में चार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय। आप लोग श्री जी का जो है कुमार संप्रदाय, निम्बाक संप्रदाय, तो संप्रदाय विहीना जो मंत्रास्त्र विफला होता, कोई भी संप्रदाय का आश्रय लेने से वो मदाश्रय हुआ, वो भगवान का आश्रय। चार संप्रदाय के भीतर कोई भी आचार्य को आप आश्रय लीजिए, वो भगवत भक्ति सिखाए, भगवान में किस तरह से आसक्ति बढ़ती है वही सिखाए, उनका और कुछ काम। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सप्तमना, यदि भगवान में आसक्ति आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, मन को भगवान का आसक्ति में, तभी मना कृष्ण पदार विंद, जैसा अमरीश महाराज किया था, महाराज होते हुए भी सब समय भगवान का चरण में मन को लगा रखा था, ऐसे हम लोग को भी कम से कम उनको अनुगमन करना चाहिए, अनुकरण में अनुगमन जहां तक हो, क्योंकि बड़े बड़े महाजन जो है आचार्य उनको अनुकरण हम लोग नहीं कर सकते, अनुगमन कर सकते। ये आचार्य महाजन जीन सदस्य कौन था, महाजन लोग जैसे जैसे रास्ता बताए हैं उस पर हम लोग अगर अनुगमन करें तो हमारा उपकार। और सुखदेव गोस्वामी बताए कीरा तो हूनांद पुलिंद पुष्पा आवी सुम्बा जवना खसा, जवन भी हो और खसाद है। भगवान स्वयं भी बताए जिनने तो पाप मान पात बात जी भी पाप सबके लिए भगवत भजन खुला, कोई के लिए रोग नहीं है, मान पात बात जी भी पाप जो ना पाप जो नहीं होने से कोई हर्ज नहीं, क्या जी तो पापी नहीं है, जी तो भगवान का अंश है, पवित्र है, अति संस्कार से समस्या से उनको पाप पुण्य का विचार आ गया है। असल में पुरुष जो है अयम पुरुष असंग वेद की वाणी है, जो उनका कोई संस्कार नहीं है, अभी अज्ञान से माया से संस्कार है, एक मुहूर्त में वो संस्कार नष्ट हो सकता है। मामेव जब प्रबद्धन्ते मायामेका, अगर कोई दिल से भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान इतना दिन जन्म जन्मांतर आपको भूले हुए थे, अब मालूम होता है आप ही हमारा स्वामी है, आपको चरण में मैं अपना जीवन को समर्पण कर रहा हूं, उसी वजह तो सब पाप से निर्मुक्त हो जाते। यदि वास्तविक और ना पाप कर, यानी अभी भगवान का चरण में आश्रय लिया, पाप जरूर मुक्त हो गया।
और फिर भी पास करे वो थी। जैसे जगाई महाराज को धर गया था चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत पाप काम करते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु इतना ही शर्त किया कि आज से पाप काम नहीं करोगे, फिर तुम्हारा स्वभाव ग्रहण कर ले। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं क्वा सर्व पापेभ्य मोक्षः। यदि हम लोग मन प्राण से वास्तविक भगवान का चरण में शरणागत हो जाता हो तो गुरु भगवान तो समर्थ है, और हमारा जो पाप का जो फल है कर्माणि निदहति किंतु च भक्ति भाजा ब्रह्म संहिता है। जो भगवान भक्त जो है उनको कर्म सब निदहन कर देते, इसलिए भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए और भगवान को जो भक्त है उनका आश्रय लेना चाहिए, और भगवत भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दासम सक्षम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति, ये श्रवण कीर्तन से ही असल चीज है श्रवण। जैसे आप लोग ये मंदिर में रोजाना आते हैं और भगवान के विषय श्रवण करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। ये चैतन्य महापुरुष इसी को ग्रहण किया, स्थाने स्थिता सुतिगतान तनुवाग मनोभी, अपना अपना स्थान में रहो, स्थान परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण है ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय है क्षत्रिय रहो, वैश्य है वैश्य रहो, शुद्ध है शुद्ध रहो, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहो, और गृहस्थ है गृहस्थ रहो, मानपुस्त है संन्यास है, अपना अपना स्थान में स्थित रहो, अपना अपना काम करो, साथ साथ में भगवान का विषय सुनते रहो। सतांत संगात्म बीज संदेह भवंते हितकन्न रसायन कथा, सुनते 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 हे सब चेत दर्पण मार्जनम भव महादापन, वो जो अपना जो स्वरूप है वो सिद्ध हो जाए, भगवान से जो संपर्क है वो सिद्ध हो जाए। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरी है और इसका फल भी हो रहा है। उदाहरण से आप लोग सब देख रहे हैं कि ये सब अमेरिकन वासी यूरोपियन वासी ये श्रवण कीर्तन करते ही बड़े बड़े भक्त बन रहा है और प्रचारित खूब हो रहा है। इंडिया से इनका प्रचार बहुत जोर है, इंडिया का बाहर आप लोग जानते हैं, हमारा कम से कम 100 मंदिर है सारा दुनिया में, खाली अमेरिका में ही 50 मंदिर है, यूरोप में है कोई 15-20, इसी प्रकार जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, सब जगह में है, और सब राधा कृष्ण मूर्ति का पूजन हो रहा है बड़ा सदाचार से, और ये लोग सब दुर्वसन छोड़ दिया है, ये भी चाय भी नहीं पीते और बीड़ी भी नहीं छूते और मदिरा मांस का बात को छोड़ ही दीजिए, जो ऐसी सदाचार है, और अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं और जुआ नहीं खेलते हैं, कुछ किसी प्रकार मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करते हैं और बिल्कुल भगवत प्रसाद केवल ग्रहण करते हैं और मांस आदि का बात छोड़ दीजिए। इसी प्रकार सदाचार से हर एक जगह में, कभी आप लोग आइएगा तो देखिएगा, अभी सब तीर्थगण वृंदावन में आते हैं, उधर अमेरिका में नया वृंदावन है, न्यू वृंदावन, वो वेस्ट वर्जीनिया में हम लोग 500 एकड़ जगह लिया है, उधर गोपालन हो रहा है, और अभी फिलहाल हम लोग का कम से कम रोजाना 500 पाउंड दूध अदा होता है गाय से, बड़ा आनंद से वो लोग है, ये सब सिखाया जाता है, और ये सीखने के लिए वो लोग प्रस्तुत है। इधर से हम लोग को बहुत साधु संन्यास संत को जाना चाहिए, ये चीज समझाना चाहिए, इसका मार्केट बहुत है, हम तो अकेले इतना किया है, अगर आप लोग सब आइएगा तो सारा दुनिया वैष्णव हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, सब हिंदुस्तान हो जाए, आप लोग तो आते ही नहीं, हम क्या करें, अकेले जहां तक हो रहा है, आप लोग आशीर्वाद कीजिए आगे और बढ़े।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ज्ञानं ते हम सभी ज्ञान इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्या नेह भूय अन्नज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हम लोग भगवान